Good morning students, welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 1st English grammar chapter number 16 application writing. Students, आज से आपका जो है composition part start हो रहा है. आप composition part के लिए क्या करेंगे, ये क्योंकि आपका written work होना चाहिए इसका, इसकी practice किस तरीके से होगी, कैसे लिखा जाएगा, ये सब करने के लिए आपको इसका जो work है written में होना चाहिए आपका, ठीक है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जो इंग्लिश टेक्स्ट के लिए नोटबुक बनवाई गई थी उसमें ही हम इस कंपोजिशन पार्ट को करेंगे. तो किस तरीके से करना है हमें अपनी नोटबुक में, उसका पिन पेज, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है हमने इंग्लिश में उसमें टेक्स्ट में यूज़ कर लिया है उसके चैप्टर्स के लिए. अब जो पिन पेज से हम इसका हाफ ऑफ कर लेंगे और वहाँ पर हम पिन पेज पे ग्रामर मेंशन करके और ये कंपोजिशन पार्ट स्टार्ट करेंगे. तो आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन राइटिंग. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एप्लीकेशन राइटिंग यानी कि एप्लीकेशन लिखना, प्रार्थना पत्र जिसे बोलते हैं, ये पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी को भी लीव के लिए, है ना. इन रिटन, रिटन में हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर को. तो इसके लिए पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ. ओके, देखिए आप स्टूडेंट्स जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहा होगा. आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा जाता है टू, ठीक है, उसके बाद में कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट. ये देखिए टू लिखा, देन नेक्स्ट रो में द प्रिंसिपल. स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में ही सारी लाइन्स राइट डाउन होंगी और टू के बाद में हम द प्रिंसिपल लिखेंगे. ऐसा नहीं कि टू है हमने स्पेस है तो हमने द प्रिंसिपल यहीं लिख दिया, नहीं, नेक्स्ट रो में लिखेंगे. तो द का टी कैपिटल एंड पी का प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखेंगे और जो बाकी के रेस्ट ऑफ वर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में राइट डाउन होंगे. देन स्कूल नेम, नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस ऑफ द स्कूल, ये राइट डाउन होगा. फोर लाइंस आपकी इस तरीके से राइट डाउन होंगी स्टूडेंट्स. ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चल रही हैं, सीक्वेंस में चल रही हैं, सीक्वेंस है ना, ऐसा तो नहीं zigzag में चल रहा है या कुछ लेफ्ट में लिख दिया कुछ राइट में लिख दिया, इस तरीके से नहीं होता. इसमें सारा ही लेफ्ट में ही करना है हमें. ओके, फर्स्ट क्या लिखा है हमने स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर से टू कॉमा, देन हमने द प्रिंसिपल लिखा, देन स्कूल नेम, एड्रेस ऑफ द स्कूल, देन डेट मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स. ये सभी नेक्स्ट न्यू रो से स्टार्ट करनी है हर पॉइंट को हमें, है ना. डेट हमें डी डी एम एम वाई वाई के थ्रू लिखनी है स्टूडेंट्स. किस तरीके से होती है डी डी एम एम वाई वाई, डी डी मीन्स डेट, एम एम मंथ, वाई 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 ईयर के लिए होता है. पहले डेट लिखी जाएगी, देन मंथ, देन ईयर. ओके स्टूडेंट्स, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक पे हम हमारी एप्लीकेशन को राइट डाउन कर रहे हैं, हमने लाइक लिखा एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क, फॉर इलनेस, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा वो सब्जेक्ट के अंदर लिखा जाएगा. एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट वर्क लिख दिया जैसे हमने, ठीक है. देन न्यूरो से सर या मैम, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं लाइक मैम हैं या सर हैं जो भी हैं उनके लिए हम लिखेंगे. ऑब्लिक में इसलिए कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो भी है आपके स्कूल के उनके लिए आपको वो वर्ड यूज़ करना होगा. देन बॉडी, ये एप्लीकेशन की बॉडी के लिए यूज़ होगा स्टूडेंट्स. एप्लीकेशन की बॉडी क्या होती है, जिसमें कि हम पूरा राइट डाउन करते हैं, डिटेल लिखते हैं हम एप्लीकेशन की कि क्या है हमारी एप्लीकेशन, किस वजह से हम राइट डाउन कर रहे हैं. ओके, यहाँ पर बॉडी में हम इस तरीके से बॉडी लिख दी जाएगी उसकी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये एप्लीकेशन का पार्ट, देन हम राइट डाउन करेंगे थैंकिंग यू. ये भी न्यू रो से ही होगा स्टूडेंट, नई रो में हमें लिखना होगा थैंकिंग का टी कैपिटल, देन यू का वाई कैपिटल लिखेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे हम इस तरीके से. इसमें कॉमा लगाया, देन योर्स ट्रूली, इसकी जगह आप ऑबिडेंटली राइट डाउन करेंगे, योर्स ऑबिडेंटली, नेम जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन लिख रहे हैं यानी कि एप्लीकेंट जो भी है उसका नेम आ जाएगा, देन क्लास एंड सेक्शन. ओके, तो ये तो है फॉर्मेट स्टूडेंट्स. देन अब है एप्लीकेशन, आपके जो सिलेबस में है टू दे रखे हैं स्टूडेंट्स, हम एक को ही अंडरस्टैंड करते हैं. ऑलराइट, और जब इसकी एक्सरसाइज दे रखी है उसमें भी हमें टू दे रखी है, तो उनमें से भी हम एक करेंगे. हमें अंडरस्टैंड ही तो करनी है, आना ही तो चाहिए. तो इसके लिए हम सिंपल देखते हैं एप्लीकेशन राइटिंग, ये वाली मैं आपको बताऊंगी और एक आपको मैं वर्क के लिए दूंगी. फॉर्मेट वही रहेगा स्टूडेंट्स. देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर
स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 डेज ड्यू टू सिकनेस. सिकनेस के लिए आपको एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है 3 डेज की लीव के लिए. ओके तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैंने फॉर्मेट में बताया था टू, फिर नेक्स्ट रो में लिखेंगे द प्रिंसिपल, द एंड प्रिंसिपल के पी कैपिटल राइट डाउन करेंगे. रेस्ट ऑफ वर्ड्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स. देन स्कूल नेम लाइक यहाँ लिखा हुआ है दयावती मोदी अकेडमी 1. आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है टी एस एन दाई स्कूल. दिल्ली की जगह अजमेर लिखेंगे. एड्रेस लिखना है ना तो अजमेर लोहागल अजमेर लिखें. सर या मैम, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम है सो वी राइट हेयर मैम. देन कॉमा, फिर हम बॉडी एप्लीकेशन की बॉडी राइट डाउन करेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, क्योंकि हम रेस्पेक्ट से उनसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये वर्ड्स लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट. आई बैक टू से दैट आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल, कि मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ बहुत ही विनम्रता से विद पोलाइट रिक्वेस्ट कि मैं फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ सिंस लास्ट नाइट से फीलिंग अनवेल. फिर आप फुल स्टॉप लगा के आई एम देयर फॉर अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास को अटेंड करने में अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ. देन पैराग्राफ कंप्लीट होता है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स काइंडली से, ठीक है ना. काइंडली से आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे न्यू पैराग्राफ, वो भी लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, और सीक्वेंस में ही देखिए फर्स्ट वाले के इसमें सारे हम सीक्वेंस में ही लिखते चल रहे हैं. लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज विद इफेक्ट फ्रॉम, तो हम उनसे कह रहे हैं कृपया मेरे को 3 दिन का अवकाश दीजिए या एबसेंस के लिए. तो इफेक्ट फ्रॉम जिस दिन से आप इफेक्ट हुए हैं यानी जिस दिन से आप एबसेंट हो रहे हैं स्कूल में, लाइक आज आपकी जो डेट है वो उस डेट से, और 3 डेज का जो आप ले रहे हैं वहाँ तक के लिए आप उनकी डेट मेंशन करेंगे 3 डेज की. अगर इसमें बिकॉज 3 डेज का दे रखा है 2 का था तो 2 का, 1 डे का होता है तो 1 डे, जितने भी डेज का आपको दिया जाता है उतना आपको उसमें राइट डाउन करना होगा. एंड ऑफलाइज पैराग्राफ कम्प्लीट होगा, देन न्यू लाइन से आप लिखेंगे थैंकिंग यू. आपको मैंने फॉर्मेट में बताया किस तरीके से लिखना है. देन योर्स ऑबिडेंटली, फिर आपका नेम आ जाएगा स्टूडेंट, जो भी आपका नेम है वो लिखेंगे. देन क्लास एंड सेक्शन एंड डेट एंड रोल नंबर. ओके इस तरीके से आपका एप्लीकेशन राइट डाउन करनी. तो आप क्या करेंगे, आप जो एप्लीकेशन राइटिंग में स्टूडेंट्स नोटबुक में भी ये फर्स्ट वाली हेडिंग डालेंगे आप राइट एंड एप्लीकेशन वाला, देन एप्लीकेशन राइट डाउन. सबसे पहले तो आप फॉर्मेट राइट डाउन करेंगे. मैं PDF सेंड करूँगी इसका, तब आपको वो PDF भी इसका फॉर्मेट भी सेंड करूँगी ताकि आप वो फॉर्मेट राइट डाउन कर सकें. देन एप्लीकेशन लिखेंगे ये वाली. फिर एक स्टूडेंट्स आपको मैंने सेल्फ करने के लिए भी दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और आप भी करना सीख सकें. आपको दिया है एज अ होमवर्क राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ 2 डेज फॉर एन अर्जेंट वर्क. अर्जेंट वर्क के लिए आपको एप्लीकेशन राइट डाउन करनी है. ये आपका टॉपिक है, इसका सब्जेक्ट है, ठीक है ना. तो आप क्या करेंगे इसके लिए भी, आप पहले टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम और एड्रेस स्कूल का, देन डेट, फिर जिसको भी लिखनी है ये सब करके, और बॉडी जो है वो आप खुद राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट सेल्फ, ताकि आपको लिखना भी है. और ये फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा एप्लीकेशन में, बस टॉपिक ही तो चेंज होगा कि क्या है हमारा रीज़न. कभी अर्जेंट वर्क हो सकता है यानी कि ज़रूरी काम, जैसा कि अभी दिया है आपको मैंने क्वेश्चन में, कभी इलनेस के लिए हो सकता है, तो वो आप यूज़ करते हुए बॉडी को कंप्लीट करेंगे. देन थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडेंटली, देन आपका नेम, क्लास, सेक्शन, ये लिखते हुए अपनी एप्लीकेशन को कम्प्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और इसका PDF मैं सेंड करूँगी, इस वाले क्वेश्चन का भी सेंड करूँगी स्टूडेंट्स, ताकि आप जिसने कर लिया हो तो वो मैच कर लेगा, और जिसने नहीं किया हो इसको तो वो उस PDF को देखते हुए ये वाली एप्लीकेशन को भी राइट डाउन कर ले. स्टूडेंट्स 4 हैं जिनमें से मैं आपको ओनली 2 ही करा रही हूँ. ओके तो आप अपने वर्क को ग्रामर की नोटबुक अलग से ना बना के जो टेक्स्ट की नोटबुक में उसमें ही हाफ करके पार्टीशन करके उसमें राइट डाउन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू.